फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 11th ऑफ अगस्त और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ एनुअल फंक्शन पे। मेरा भतीजा है, उसका एनुअल फंक्शन है, तो उसके एनुअल फंक्शन में जा रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे जा रही है समायरा। हेलो, मेरा नाम है समायरा। हाँ, मैं सोलन सिटी से हूँ। और इसको मेरे साथ कैमरे में आना बहुत अच्छा लगता है ना, वीडियोस बनाना। ये मुझे रिक्वेस्ट करती रहती है, मासी मेरे साथ भी वीडियोस बनाओ ना, वीडियोस चैलेंजेस करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसके साथ मैं एक चैलेंज जरूर करूंगी। वो बहुत ज्यादा समायरा तो रेडी हो चुकी है और अब मैं भी रेडी होंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। गेट रेडी विद मी। और नेल पेंट मैंने चेंज किया है, ड्रेस के साथ मेरा मैच कर रहा है। इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया है, सेक्टर 22 गई थी मैंने, वहाँ से ये नेल पेंट लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। इस कलर की वजह से मैंने ये वाला जो टॉप वेयर किया है, ये वाला मैंने बाय किया है। और समायरा को अभी छुट्टियाँ हैं, है ना, कितने डेज की? 3 डेज। 3 डेज अब समायरा मजे कर रही है। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं और आपको मैं लेके चलूंगी एनुअल फंक्शन में। और हमारे साथ जाएगी सैमी। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे सैमी मेरे साथ बैठ के गप्पे मार रही थी, बोल रही थी मासी मैं आपको एक एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास दूँगी और आप मेकअप करना। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंसीलर के लिए अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। और स्पॉन्ज के हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, और पूरे फेस को मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँ क्योंकि समर्स नहीं मानसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा शेप कर लूँगी और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन की आईब्रो पेंसिल। काफ़ी अच्छी इसकी शेड जो है वो काफ़ी मैच करती है मेरी ब्रोज़ के साथ। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ और ये आईलाइनर मैंने आपके साथ मेरे नायका हॉल में शेयर किया है। ठीक लगा मुझे, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वाटरप्रूफ नहीं है, उस वजह से हो सकता है अगर आप बाहर धूप में जाएं तो ये आपका इधर उधर हो सकता है थोड़ा आईलाइनर। और नेक्स्ट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है अप्लाई करना हाइलाइटर, मैं यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। तो इसके बाद जो है वो मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। तो बहुत कम मेकअप जो है वो मैंने अप्लाई किया है और सेटिंग स्प्रे के बाद इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा डैब कर लूँगी फेस के ऊपर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, शाई स्टाइल्स लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा रेड कलर है। रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये लिपस्टिक का कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है। तो मैं साथ में थोड़ा सा सिंदूर भी अप्लाई कर रही हूँ सेम लिपस्टिक्स की हेल्प से। यहाँ पे हम दोनों निकल गए थे, हमने कैब बुक कर पाई थी और हमारे घर से भाभी के घर तक लगभग आधा घंटा लग जाता है या 45 मिनट्स लग जाता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो। तो वो चंडीगढ़ 51 सेक्टर में रहते हैं और समायरा जो है वो रास्ते में सो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए वो सो गई थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे उसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमें आधा घंटा लगा पहुँचने के लिए। और जैसे हम पहुँचे भाभी को पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने एकदम से अपना मुंह छुपा लिया था, आप आगे वीडियो में देखेंगे। कितने दे मांग रहा है। हे गाइस, तो अब हम निकल गए हैं नैतिक स्कूल के लिए और मैं आपको मिलाती हूँ मेरी भाभी से, मेरी हसमुख भाभी। हेलो। हमेशा हंसते ही रहते हैं, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स इनसे मिलते हैं सब बोलते हैं कि तुम्हारे भाभी जो है बहुत हसमुख और सच में हमेशा स्माइल करते रहते हैं।
तो अब हम निकल गए हैं, ऊबर आ चुकी है मुझे और अब हम स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे, नैतिक का फंक्शन देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्कूल के लिए निकल गए और इस बार भाभी जो हैं वो बता रहे थे कि हम बिल्कुल टाइम से निकल गए हैं, क्योंकि पिछली बार भाभी लेट गए थे तो उनको सीट वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बहुत पीछे सीट मिली थी। तो मुझे भाभी ने लास्ट ईयर भी बोला था जाने के लिए, बट उस टाइम मैं जॉब करती थी तो प्राइवेट जॉब का आप सबको पता ही है छुट्टी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। बट इस बार मैं फ्री थी तो मैंने सोचा जा आती हूँ, क्योंकि नैतिक को बहुत अच्छा लगता है, उसको पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं आ रही हूँ उसके स्कूल, तो उसको एकदम से सरप्राइज़ मिल जाएगा जब स्कूल में वो देखेगा। तो यहाँ पर हम स्कूल पहुँच गए हैं और अब हम ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उसका फंक्शन होना था। तो हम लोग स्कूल में पहुँच गए हैं और अब हम जा रहे हैं ऑडी शानू का फंक्शन देखने। आई एम सो एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम नैतिक के स्कूल, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा देख के कि बुआ और सैमी आए हैं। मम्मा तो हमेशा आती है, तो बुआ और सैमी तो फर्स्ट टाइम आए हैं ना सैमी। ओके, तो हम अंदर जा रहे हैं, अब अंदर मिलते हैं। परफॉर्मेंस आएगी वो नैतिक की परफॉर्मेंस थी, जिसमें कि वो फेसबुक बना हुआ था, उनका जो एक्ट था वो था अर्थ वर्सेस टेक्नोलॉजी। कौन पहचानता है हमें? वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। तब बच्चे इतने टैलेंटेड, देखो तो चक्कर आके है, देख देख के गोल मशहूर, मेरे को तो चक्कर आ गए। नैतिक नैतिक गॉड ब्लेस यू, बड़ा जच्ची रेड है तू। से हेलो, हेलो तो बोल दे, बाय, हेलो बाय। वीडियो देख आई थिंक यस, मेरे को पता नहीं था कि आज मेरे बुआ आने वाले हैं और मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। अच्छा लगा? हां जी, ये है मेरी उमा। हां
अम्मा ठीक है अम्मा जी अपने कपड़े थे और बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन था, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया इतने दिनों के बाद कहीं बच्चों का जो डांस था ना बहुत अच्छा था, है ना भाभी कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा था कि तेरा जो एक्ट था ना उसमें मेहनत लगी हुई है, मतलब जो ड्रेसेस इतनी ड्रेसेस बनाई राउंड वगैरह और बहुत अच्छा था, मतलब बच्चों से मॉडलिंग करवाई और अर्थ के ऊपर था, पॉल्यूशन के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी आजकल प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर और नैतिक बना था फेसबुक और फेस पूरा कवर था, इसका फेस ही कवर कर दिया फेसबुक तो रूम पे पहुंच गए हैं, अब कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, लंच करेंगे। अम्मा घूम घूम के देख रहे हैं कैमरे में, अम्मा वीडियो लग रही पढ़ने? हाँ ओके ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, कुछ खा पी लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और फिर बात करती हूँ आपसे, बाय बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई थी बट अब मैं वीडियो का एंड करूँगी। बट आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में जाके, नैतिक के स्कूल में जाके, क्योंकि जब बच्चों को मैं देख रही थी डांस करते हुए स्टेज पे तो अपने दिन याद आ रहे थे। मुझे तो स्टेज का बहुत ज़्यादा फोबिया था, मुझे स्टेज पे जाना मतलब डर लगता था एक अंदर से, और आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, इतने अच्छे से इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंसेस दिए और बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा था, हर एक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और अभी घर पहुँची हूँ, डिनर बन चुका है, अभी हम डिनर करेंगे। तो मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।